चाहे घर में बेटा हो या बेटी हो। अब मैं तो कहती हूं कि हर घर में पहली संतान बेटी हो, हर घर में पहली संतान बिटिया हो। हर आदमी आज के जमाने में सोचते हैं कि अगर एक बेटा हो गया ठीक है, अब इतनी पढ़ाई का खर्चा ये है, परिवार को पालना कौन कहां से लाएगा। बेटी अगर घर में है, आप ये समझ लो कि बेटा पैदा हो गया तो आप भाग्यशाली हैं, अगर पहली संतान बिटिया हो गई तो आप सौभाग्यशाली हैं। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है। बेटा अगर एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां तीन कुलों को तारती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। वो पिता बहुत भाग्यशाली होता है। यहां बेचैन है राजा को जितनी चिंता नहीं उतनी रानी को है। रानी ने एक बात कही कि नाथ संतान बहुत जरूरी है, एक पुत्र हो जाता। अरे मैं ये नहीं कहती कि बेटा हो जाए, एक बिटिया हो जाए। आज भी आप किसी संत के पैर छूना तो संत ये बोलते हैं कि पुत्र देवो भव, ये नहीं कहते कि पुत्री देवो भव, कोई नहीं बोलता। बेटा पैदा हो जाए तो बारह गांव जान लेंगे, अरे उनके फलाने के बेटा हुआ। और बिटिया पैदा है जाए ना तो चेहरे पे बारह बज जाते हैं। महाराज एक बात कही मैया सुनीति ने कि नाथ कुछ तो मेहर हो जाए। हाथियों दंत बिने ज्ञान जैसे संत बिने, कामिनियों कंठ बिने लागे सोनी सोनी है। मंदिरों दीप बिने बाग जैसे कूप बिने, और प्रजा एक भूप बिने लागे सोनी। एक कायायो वस्त्र बिने सूरमायो शस्त्र बिने, ओ माया एक पुत्र बिने लागे सुनी सुनी। कंठ बिने राग जैसे, ओ ज्ञान बिन बेराग जैसे, वैसे राम भजन बिन जदे सुनी सुनी। एक पुत्र हो जाए, एक बात कही विदाता तेरे या दीन ही चाहिए।
भगवान को याद कर रही। महाराज एक पुत्र नहीं बेटी, पुत्री हो जाती। राजा बोले, अरे ओ पगली, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करे? भगवान ने नहीं दिया, नहीं इच्छा है तो क्यों परेशान है? बोले, नहीं महाराज, इतना बड़ा राज्य है, इसका अधिकारी कौन होगा? आपसे कुछ कहना था। बोलिए, मानोगे? हाँ, मानने वाली बात होगी, जरूर मानूंगा। महाराज, मान ही लेना। अरे बोलोगी आप? महाराज, हाँ हाँ बोलो, दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दे। बोले, पागल है क्या? अरे ओ बाबरी, कांटो बुरो करील को और बनरोटी गाम और सौत पुरी है चून की और साजे को काम। शादी नहीं कर सकता। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं और दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। ये प्रभु का खेल है, शायद भगवान की यही इच्छा होगी। वो जो करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कभी कभी अगर कोई किसी के घर पे कष्ट हो जाए तो बोलते भगवान बहुत बुरे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नास्तिक ही भगवान को मानते ही नहीं है बिल्कुल। वो कहते कि कुछ नहीं होता भगवान। एक लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि भगवान रहता कहाँ है? तो संत ने जवाब दिया कि हर जगह निवास है। बोले, तो हर जगह है तो दिखता क्यों नहीं? अरे सामने आए। तो बड़ा प्यारा जवाब है कि जैसे गाड़ी का पहिया अगर टायर पंचर हो जाए तो हवा तो हर जगह चल रही है, तो जाना कहाँ पड़ता है? दुकान पे, वहां सही होगा। ऐसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन आपको शांति रखने के लिए, स्तुति करने के लिए उसके मंदिर में ही जाना पड़ेगा। भगवान हर जगह है। एक व्यक्ति मूर्ख संत से सवाल करने लगा कि आपके भगवान बिल्कुल पागल थे? बोले, हाँ पागल तो बिल्कुल थे, तुम जैसे लोगों को जो बनाया है। संत जी ने हाथ पकड़ा, बोले चलो आज तुम्हें घुमाने ले चलते। बोले चलिए। तो एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पे आम लगे थे। बोले, देखो इतना बड़ा पेड़ है और इस पे आम लगे हैं, मतलब इतना छोटा सा फल लगा है इतने बड़े पेड़ पे, है बिल्कुल मूर्ख भगवान? बोले, और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़े तो देखा कि छोटी सी बेल है, उस पे इतना बड़ा सा कद्दू लगा, सीताफल। बोले, है मूर्ख, इतनी सी बेल पे इतना बड़ा कद्दू है? फिर आगे हाथ पकड़ा संत जी, फिर लेके पहुंचे। पूरे दिन घुमाते रहे, थोड़ा सायकाल में एक आम के वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। अचानक उसे नींद आई, तो भगवान बोले, अब तुझे दिखाई दे कि हम मूर्ख हैं या नहीं है। तो वहीं उसे नींद आई, वो वृक्ष के नीचे ही सो गया। संत जी दूर बैठे, इतनी तेज हवा चली तो वो आम एक ऊपर से गिरा और सीधा माथे पे, एकदम घबरा के उठा। संत जी बोले, क्या हुआ? बोले, अरे महाराज, ऊपर से वो फल गिरा है, वो तो बच गया, अगर नाक पे गिर जाता। बोले, हल्का तो था, अगर नाक पे गिरता तो कुछ नहीं होता। और भाई मान ले, तू बोल रहा था कि इतने बड़े पेड़ पे बड़ा फल होना चाहिए था, वो जो अभी सीता फल देखा था वो छोटी सी बेल पे अगर यहाँ लटका होता ऊपर, भगवान लटका तो तू लेटा था नीचे, अगर ऊपर से गिरता तो क्या होता, है ना? तो बोलते भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। जो चीज जहां है वो सही से है, परमात्मा कभी गलत कर ही नहीं सकता। आप खूब जतन कर लो कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, लेकिन याद रखिए, वो नहीं करता जो तुम्हें अच्छा लगता है, ये तो वो करता है जो आने वाले समय में तुम्हारे लिए अच्छा होता है। एक बार ये जकड़ लेना, पकड़ ले। कहावत है कि जिसे भूत पकड़ ले भूत,
उसका इलाज है भगत ठीक कर देंगे, लेकिन जाए जो यशोदा को पूत पकड़ ले वा को इलाज ना है, कोई इलाज नहीं है। अगर आदमी ऐसे ही मेंट पागल हो जाए तो आप डॉक्टरों के पास ले जाए वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन एक बार व्रज की गलियों में और वृंदावन में बांके बिहारी से नजरे मिला के जो पागल हुआ उसे दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो ठीक कर सके। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज विचार किया है कि एक पुत्र हो जाए, महाराज शादी कर लो, और नाथ आप नहीं जानते क्या सैया लाख भरे होए सजना वो पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहली जो पत्नी है उसका नाम क्या था? सुनीति। सुनीति जिसकी सुंदर नीति हो, और दूसरी आई है उसका नाम है सुरुचि, जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। दूसरी वाली जो है वो दिखने में बहुत सुंदर है, वो डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा जा, छोटी रानी को अंदर लेके आ, आरती उतारी, आरती उतार के बोली चली अंदर। बोले क्यों? बोले आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया। बोले कौन बड़ी बहन? राजा की जो पहले वाली रानी है, राजा की जो पहले वाली रानी है। बोले पहले शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। और तुम क्या समझ रही पहली? आप अंदर चलिए। बोले महाराज को बुलाओ। वो कहाँ है? राजा को बुलाया गया। महाराज ये बताइए, जब पहले से एक है तो हमें क्यों लेके आए हो? अगर इज्जत चाहते हो तो चुपचाप मेरा डोला वापस भिजवा दो। एक बात बोले दादा, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में दो मिनट नहीं लगते। मैया ने के विश्वास पे शादी कराई, भरोसा था कि आएगी छोटी बहन, वो मेरी सेवा करेगी। लेकिन विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आई
बड़ी रानी ने चरण पकड़े, बहना का बात है अंदर चलो। बोले यहाँ बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनके तू भी चिड़िया घर में रहना चाहती है, हमें ज्ञान मत दे, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, एक काम कर। बोले क्या? अगर अंदर ले जाना है तो आज से घर को त्याग दे, एक ही शर्त होगी, आज से अट्टे पर खड़े होकर के जो मैं काम बताऊंगी वो तो करेगी। मैया ने जब पैर पकड़े तो सुरुचि ने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी। महाराज एक उदाहरण है कि इंसान कहीं बाहर से कोई चिल्ला दे, लड़ाई हो जाए, एक बच्चा हो छोटा सा, कोई डांट दे तो घर पे माँ बाप से रोएगा, और जब माँ बाप अगर डांट दे तो एक कोने में बैठ के रोता है, फिर कहीं का नहीं, उसे ऐसा लगता कोई है ही नहीं। एक काम वाली थी, उसके लड़के को एक हीरा मिला, उसने वो हीरा अपनी माँ को दिया और जवाब दिया, देख मैया जे हीरा है। तो माँ ने चारों तरफ से देखा और फेंक दिया, बोले कहां से उठाए लाओ जो कांच का टुकड़ा है। लड़का चला गया, कामवाली ने सोचा बिचारा और सुनार के पास पहुंची, बोले देखो जरा ये हीरा है क्या, चमक तो बहुत है। सुनार ने विचार किया, है तो हीरा, लेकिन अगर मैंने इससे कह दिया कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। उसने भी चारों तरफ से देखा और फेंक दिया। कामवाली चली गई, सुनार वह हीरा को लेकर जौहरी के पास पहुंचो, बोले देख भैया जौहरी से हीरा है, अब जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता, तो एकदम से पहचान लिया, बोले है तो हीरा, अगर मैंने बोल दिया कि हीरा तो ये तो जानता नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो हीरा कभी टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है। उसने जौहरी ने महाराज चारों तरफ से देखा और फेंक दिया, अब हीरा के एक से दो टुकड़ा है गए। तो व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले ये क्या है, सुनार ने फेंका, कामवाली ने फेंका तो नहीं टूटा, लेकिन जौहरी ने फेंका तो क्यों टूट गया। तो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। और जब अपने ही पहचानना बंद कर दें तो टूटने के अलावा दूसरा काम नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया ने राजा के चरण पकड़े, पीठ फेर के राजा रो रहे थे, अब समझ गई कि अब कोई नहीं है, स्वयं हाथ जोड़े अंदर की तरफ इशारा किया, चलिए बहना आपका ही सब कुछ है, क्यों बेचैन हो। बोले मोटी सी साड़ी, हाथ में बांस, एक शेर जो अट्टे पे चिड़िया और काग उड़ाई गई। वो अपने स्वरूप पर इतना घमंड है उसे, किसी को नहीं समझती, राजा भी मोहित हो गए। आज के जमाने में, और ये सत्यता भी है, जब तक शरीर में सामर्थ है लोग किसी को नहीं समझते, क्योंकि रावण ने कही न जग में मोसमान, कुंभकर्ण भैया रमेउ बड़ो बलवान, दसीस बीस भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, और बाव को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। आज के जमाने में कहू से धोखे उस राम राम कर ले, फिर तो उन्हें घमंड है कि हम तो बड़ो कोई है ही ना है, हमें ही बस बलवान बचे। और आज के जमाने में एक नियम और है, आदमी का नाम तभी होता है, कड़वी सच्चाई है, मैं सच्ची बोलती हूँ, ये कड़वी सच्चाई है कि खूब कितना भी व्यवहार हो, एक साइकिल पे व्यक्ति निकले साइकिल पे और वो बहुत अच्छी बात समझा के जाए, बहुत बढ़िया आपके भले के लिए, और जैसे ही वो निकलो बोलेंगे हाँ इनको तो ज्ञान हम पे पचे कोई ना है, कोई बात नहीं मानेंगे उसकी। और कोई गाड़ी वाला व्यक्ति महंगी सी गाड़ी से निकले और फालतू के दो शब्द बोल के चला जाए, बहुत बढ़िया बोल के गया है, बहुत बढ़िया, कोई मतलब नहीं उसका, इज्जत कहाँ है पैसे की। अगर धन ना हो ना तो लोग अजीब तरीके से नाम लेते, और धन हो जाए तो नाम के आगे श्री लगाना शुरू, सम्मान शुरू आपका। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, तो जब तक वो गरीब रहा गांव वालों से वो राम राम करता, क्षेत्र से राम राम करता, कोई सुनता ही नहीं उसकी,
कोई राम राम ही नहीं लेता, पैर छुए तो आशीर्वाद तक नहीं लोग देते। कुछ समय बदला और समय के बाद वो धनवान हो गया। अब जैसे ही वो धनवान हुआ लोग उससे सेठ बोलने लगे। अब जब भी वो घर से निकलता सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, पूरे क्षेत्र के लोग सेठ जी बोलते, तो वो किसी की राम राम नहीं लेता। उसकी पत्नी को खबर लगी कि आपके पति तो बड़े घमंडी हो गए, ये किसी की राम राम ही नहीं लेते। तो पत्नी ने पति को शाम को समझाया कि आप पूरे क्षेत्र की राम राम क्यों नहीं लेते। तो वो पत्नी का हाथ पकड़ के तिजोरी के पास लेके पहुंचा। बोले तू पागल है क्या, मैं सबकी राम राम लेके आता हूँ। लेकिन फिर बोले जवाब क्यों नहीं देते। बोले वो मुझे करते ही नहीं है तो क्या जवाब दे, वो तो तिजोरी को राम राम करते, तो मैं सबकी राम राम लेकर के शाम को तिजोरी को बोल देता हूँ। अरे जब धन नहीं था तो ये मेरी राम राम नहीं लेते थे, आप धन देख करके मुझे राम राम करते, तो वो मुझसे नहीं करते तिजोरी से करते, मतलब धन से, तो मैं सबकी राम राम बोल देता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। विद्वान लिखते हैं, करो चहे लाख चतुराई, करो चहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चहे बना एक कांच का मंदिर, उसी में भगवान रहते हैं, लिए हैं चारे पाए बुलावा।